नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, यहाँ से एक जो अपडेट है वो निकल के ये आया है कि जो कल परसों पेपर हुआ था उसके लिए ऑब्जेक्शन कॉलिंग 1/2/2022 से 3/2/2022 तक, मतलब 2 दिवस के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन कॉलिंग जो है वो खुला हुआ है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्शन कॉलिंग कितने देर के लिए खुला है, दो इतने दिन के लिए खुला है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी मेन जो पर्पज़, ये था कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो पेपर हुआ था अभी 30/1/2022 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आया था पैरामेडिकल स्टाफ का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुल मिलाकर 75 के करीब प्रश्न रहे होंगे और कुछ प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश जीके से आए होंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में, क्यूरी, क्यूरी इज एन नॉन एसआई यूनिट ऑफ, तो क्यूरी जो होती है मैडम क्यूरी, क्यूरी जो होता है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यूरी जो थे उनके बारे में, क्यूरी एक गैर एसआई इकाई है, तो वो रेडियोधर्मिता की है, रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। और देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक मिसाइल प्रति सेकंड 0.2 किलोग्राम ईंधन जलाती है, यदि रेचन गैस का वेग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो उस त्वरण की गणना करें जिसके साथ में वह ऊपर उठती है। तो यह दोस्तों त्वरण के बारे में है। तो ये आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम, ग्रेविटेशनल रूल्स, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में ये आप डिस्कस कर लेंगे। तो उसके उसका जो आंसर निकल के आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका उत्तर रहेगा दोस्तों। देन उसके बाद में एक पिंड 8 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से असम क्षैतिज सतह पर गतिमान है, असमतल क्षैतिज सतह पर गतिमान है, यदि पिंड 11 मीटर की दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में आ जाता है तो सर्पीय घर्षण गुणांक, तो सर्पीय घर्षण गुणांक जिसको बोलते हैं को एफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, को एफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा दोस्तों, तो 0.3 ये निकल के आएगा अगर हम लोग पूरी गणना करेंगे तो। देन ए वायर ऑफ ए पेंडुलम, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ए लंबाई वाली लोलक की डोरी को ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री तक स्थानांतरित करके इसे मुक्त कर दिया जाता है जब लोलक अपनी माध्य अवस्था से होकर गुजरता है, तो तनाव सहन करने के लिए डोरी की न्यूनतम सामर्थ्य की गणना करें। तो न्यूनतम सामर्थ्य जो है दोस्तों, इसमें ये उत्तर दिया गया है 3 मिलीग्राम। यदि आप लोगों को कोई अलग आंसर अगर निकल के आता है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, 3 तारीख तक ये ऑब्जेक्शन जो है वो खुले हुए हैं। इंग्लिश में केवल मैं पढ़ के बता देता हूँ, ए स्प्रिंग ऑफ 50 mm लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, इफ 20 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 2 mm, देन व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 50 mm। तो 50 mm लंबाई वाली किसी स्प्रिंग को बल लगाकर खींचा जाता है, यदि स्प्रिंग को 2 mm तक खींचने के लिए 20 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है तो स्प्रिंग को 50 mm खींचने में किया गया कार्य, तो कार्य का ये फार्मूला आपको कार्य इसका निकालना पड़ेगा, पूरा स्प्रिंग का जो फार्मूला होता है उसका, ये 50 mm की लंबाई अगर 2 mm तक खींचने पर 20 न्यूटन, तो 50 mm तक खींचने पर, मतलब 50 mm तक खींचने पर कितना लगेगा, तो 2 पे तो 25, बारह दशमलव 5 जूल बिल्कुल फिक्स आ रहा है आंसर दोस्तों। इसमें आप निकाल के देखिए, अगर कुछ इधर उधर होता है तो आप लोग उसका ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज 20% एफिशिएंट यूज्ड 14 जूल ऑफ एनर्जी इन लिफ्टिंग
अप ए 2 किलोग्राम मास थ्रू ए सर्टन डिस्टेंस, द मास इज देन अलाउड टू फॉल थ्रू दैट डिस्टेंस, कैलकुलेट द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ इट्स फॉल। एक 80% क्षमता वाले यंत्र 2 किलोग्राम द्रव्यमान को एक निश्चित दूरी तक उठाने में ये फार्मासिस्ट और सभी जो पैरामेडिकल स्टाफ की पद निकले थे उसके लिए है, तो उसके बारे में है दोस्तों। आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपके सामने सागर मेडिकल कॉलेज की एक विज्ञप्ति जो है वो निकली हुई है, वहाँ पर ये सेम पेपर आने वाला है। एक 80 सेम पेपर मतलब इसी तरीके का पेपर वहाँ पर आएगा और आप लोग वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दे दें। एक 80% क्षमता वाला यंत्र 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक निश्चित दूरी तक ऊपर उठाने में 14 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है, फिर द्रव्यमान को उसी दूरी से नीचे गिरने दिया जाता है, इसके पतन के अंत में वेग की गणना करना है, तो वेग जो आएगा वो निकल के आएगा अंडर रूट 11.2। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें। 3 समरूप घन DEF को क्षैतिज घर्षणहीन पृष्ठ पर रखा जाता है। घन E और F विराम अवस्था में है, लेकिन D 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से E की तरफ आगे बढ़ रहा है। सभी टकरों के लिए प्रत्यवस्थान गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक अगर कहेंगे तो वो है 0.7। टक्कर के तत्काल बाद घन एव की चाल की गणना करना है आपको, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या है द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ऑल कोलिजन इज 0.7 ये दिया गया है। देन उसके बाद में आप लोगों को गणना करना है, तो गणना करने के पश्चात ये जो है वो निकल के आएगा आपका। पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर तथा नीचे 100 किलोमीटर की अभिलंब दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात है। 100 किलोमीटर की अभिलंब दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण क्या रहेगा, तो वहां पे पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो इतनी दी गई है, तो इसका मान जो है वो ये निकल के आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर आता है इतना, तो 100 किलोमीटर ऊपर है तो ये यहाँ पर 0.984 ये हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न जो है वो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। देन उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर पृष्ठ के ऊपर 10 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो 10 किलोमीटर दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण ये होना चाहिए ये, हाँ, तो इसमें लगभग ये आपका ये मान आ रहा है। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज क्या होती है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पलायन हेतु किसी पिंड के लिए आवश्यक न्यूनतम चाल कितनी होती है, तो वो न्यूनतम चाल होगी r e to the power 1/2 के अनुक्रमानुपाती, इसको इस तरीके से देखा जाएगा। If the unit of length and force both are increased by 6 times, then the unit of energy is, यानी कि ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, यदि लंबाई और बल के मात्रक को 6 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाता है, तो ऊर्जा के मात्रक के बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ऊर्जा की जो फार्मूला है E = mc² ये होता है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि लंबाई का मान बढ़ा दिया इनने 6 गुना और लंबाई और बल के मात्रक को बढ़ा दिया, तो ऊर्जा का फार्मूला आपको लगाना रहेगा यहाँ पर, तो वो ये निकल के आएगा 36 गुना। तो यहाँ पर आप लगा कर देखिएगा, उसमें मान जो है वो 36 गुना, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इंडियन एक्सपेरिमेंट ये पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए प्रश्न है,
उसके बाद में एक प्रयोग में किसी यंत्र का उपयोग करके कोणों की माप लेने की आवश्यकता है। मुख्य पैमाने के 27 डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स के 29 डिवीजन से पूरी तरह मेल खाते हैं। यदि मुख्य पैमाने का सबसे छोटा डिवीजन आधा हो तो यंत्र का अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक इसका होगा 2 मिनट, ये निकल के आएगा दोस्तों। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिदर्शक और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली नेत्रिका से बनी एक दूरबीन का आवर्धन कितना होता है? तो इसका उत्तर आएगा 20। अब आप यहाँ पे निकाल के देखिएगा, उसके बारे में एक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये पूरा स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद में प्रकाश 1.33 अपवर्तनांक वाले जल से वायु में गमन कर रहा है। जल जिसके लिए वायु में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, में मापा गया आपतन कोण कितना होगा? तो ये दो इस तरीके का रहता है, तो ये अभिलंब रहता है। यहाँ से कोई किरण आती है तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है तो वो वहाँ पे झुक जाती है, इस तरह से झुक जाती है। तो इसमें आपतन कोण कितना है इसको पूछा गया है, आपतन कोण। अमित करौलिया कौन सी पोस्ट है वो पेपर की? तो ये पेपर में सभी जो है 12th बेसिस पे जितने भी पद हैं उसके लिए ये आई ने जो है वो पद हैं सारे। देन उसके बाद में ये जो निकल के आया है, इसका जो मान निकल के आया आएगा 48.7 डिग्री। देन उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको निकालना रहेगी। तो दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या जो है वो, ये एक दर्पण रहता है उसमें जो वक्रता है, ये फोकस यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या इसका मान 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान आपको निकालना है। तो ये एफ का मान जो निकल के आया है दोस्तों इसमें 5 सेंटीमीटर। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस आईसी सेपरेटेड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 m इन वैक्यूम विथ परमिटिविटी दिस दिया गया है। तो ये वाला दिया गया है, तो इसका मान आपको निकालना है। 8.8782×10^-12 की विद्युतशीलता वाले निर्वात में 1 मीटर की दूरी से अलग किए गए वन कुलाम के दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स, क्या है? तो ये इसका मान निकल के आया है 8.99×10^9 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आप इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, तो उनके कारण जो है हिंदी में ज्यादा बताया जाता है। त्रिज्या आर के एक समान आवेशित पतले धात्विक गोलाकार खोल के भीतर किसी बिंदु क्यू आवेश रखने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अगर किसी बेलन के अंदर हम लोग विद्युत आवेश की कहीं पे कोई बात करता है तो वो हमेशा 0 होता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको सागर का पैरामेडिकल स्टाफ का जो पेपर है वो सिमिलर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक बिंदु पर नियत आवेश क्यू के कारण स्थिर विद्युत क्षेत्र आर के फलन के रूप में किस प्रकार से भिन्न होता है? तो ये इस प्रकार से भिन्न होता है, ये उत्तर आपका निकल के आना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये स्क्रीनशॉट है। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आर दूरी वाला पृथक्कृत केवल दो आवेशित कणों वाले किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो आर दूरी वाले पृथक्कृत, आर जो mgh, ये एक फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, तो वो किसके समानुपाती होगा? तो वो आर के समानुपाती होगा। देन उसके बाद में एक चुंबकीय क्षेत्र बी की त्रिज्या बी की क्रिया के तहत विरामावस्था वाले एक इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत नेट बल क्या
क्या रहेगा? तो नेट बल वो शून्य रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी की क्रिया के तहत विराम अवस्था वाले एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर कार्यरत नेट बल कितना है? तो वो शून्य यहाँ पे दिया गया है। सर फार्मासिस्ट का पेपर है, हाँ बिल्कुल, ये फार्मासिस्ट और सिमिलर कैडर के जो भी पेपर रहेंगे वो इसी प्रकार के आने वाले हैं, पुष्पेंद्र साहू जी और अमित करोलिया जी, इसी प्रकार के पेपर आपके फार्मासिस्ट, टीबी, चेस्ट और इन सबके लिए यही पेपर आने वाला है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, मतलब रिलेटिव क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच फॉर गिवन मीडियम विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहेंगे इसको। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर वाले वाले दिए गए माध्यम के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय तीव्रता एच के बीच संबंध द्वारा ज्ञात किया जाता, तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। देन उसके बाद में निम्न में से कौन सा प्रेषण सही है, जब इसके लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रेषण सही है, जब पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के निकट लाया जाता है, तो जब पदार्थ होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी के पास अपन ले जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मैग्नेट है, इस तरीके से कोई मैग्नेट है तो उसके पास में हम किसी चुंबक को ले जाते हैं, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ तो क्षीण विकर्षण प्रदर्शित करते हैं, जो प्रति चुंबकीय होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या बोलेंगे, डाई मैग्नेटिक मटेरियल शोज फीबल रिपल्शन, ठीक है ये सही बात है। प्रति चुंबकीय पदार्थ उसमें क्या करेंगे, लो चुंबकीय पदार्थ क्षीण आकर्षण प्रदर्शित करते हैं, तो क्षीण आकर्षण नहीं, लो चुंबकीय पदार्थ, जो लो चुंबकीय पदार्थ होंगे फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होगा वो स्ट्रोंग मैग्नेट से बिल्कुल जल्दी से आएगा, मतलब शो फीडेबल फीडल नहीं आएगा उसमें, जल्दी से वो फीबल नहीं आके और जल्दी से वो आकर्षित होंगे उसकी ओर, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्षीण आकर्षण विकर्षण प्रदर्शित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सर सागर मेडिकल कॉलेज में जो एग्जाम होने वाला है ऐसे ही पैटर्न रहेगा, बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा पुष्पेंद्र साहू जी, तो आप यहाँ पे पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर आपको आना है वहां पर। इंडक्टिव रिएक्शन ये जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन उसके बाद में हम लोग म्यू आवृत्ति वाले किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े एक एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक का प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है, तो वो होता है ओमेगा, यानी कि के अनुक्रमानुपाती। दिए गए प्रेरक एल प्रतिरोध आर संधारित्र सी परिवर्ती आवृत्ति ओमेगा के एक वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा जेड न्यूनतम है, जब क्या होगा, न्यूनतम है जब क्या होता है, म्यू एल बराबर वन डिवाइडेड बाय म्यू सी, तो ये पूरा है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुनाद पर श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की स्थिति में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये सही है धारा अधिकतम होगी। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ट्वेल्थ के लिए अब केमिस्ट्री का पार्ट आ गया है दोस्तों, केमिस्ट्री के बारे में पुष्पेंद्र सर, फार्मासिस्ट का कट ऑफ क्या हो सकता है जिसमें सिलेक्ट हो जाए, अभी तक तो मेरे दोस्त 60-55 कट ऑफ हो जाता था अनरिजर्व कैटेगरी में, और 53-52 के करीब आपका आप बताएंगे तो यहाँ पर आएगा ओबीसी और 45 SC, 43 ST, बस ये इतना, इससे ज़्यादा कोई नहीं रहता है कुछ भी। केमिस्ट्री का ये पेपर है, 25 प्रश्न आएंगे। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड CH2
तो इसके लिए आपको मान निकालना है, ये इस तरीके का बन जाएगा सी एच ओ एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक दो टू ऑल तो लगना ही है, नहीं टू ऑल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों पेंट फोर इन, तो यहाँ जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है वहां से आप लोगों को नंबरिंग करना रहेगी, तो नंबरिंग ये रहेगी 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटीन, पेंट के लिए पेंट, फोर इन, टू ऑल, ये बिल्कुल सही है। आईयूपीएसी नाम यहाँ से इस तरीके से आपको गिनना रहेगा। संगीता बोपचे सर, ये पेपर कौन सी पोस्ट का है? ये पैरामेडिकल पोस्ट के लिए दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम। तो जहाँ से एल्कोहलिक ग्रुप होता है दोस्तों, वहाँ से हम लोग, आप देखेंगे तो वहाँ से हम लोग इस प्रकार से जो है इस पूरी इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ से। अब मुझे भी किए हुए 10 साल हो गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर से जो है सीरीज, जहाँ से आपका एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा वहां से आप लोगों को नंबरिंग करना रहेगी। और इस प्रकार से आप 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 5, तो पेंट तो है, ये पेंटेन तो बनी रहा है, तो पेंटीन, तो जहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पे ENE ग्रुप, यानी कि आपका डबल बॉन्ड का ग्रुप को कहते हैं ENE। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टू जो है उसको टू ऑल, ये पेंटिन ऑल है, और इसको इस प्रकार से आईयूपीएसी नाम पूरा लिखा जाता है दोस्तों। Which? Which of the following alcohol would dehydrate the fastest when heated with concentrated sulfuric acid? तो इसमें से निम्न में से किस अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर वह सबसे जल्दी जो है निर्जलित हो जाएगा? तो इसका उत्तर दिया गया है दोस्तों, ये जो है ये बी वाला उत्तर दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को ये पूरा निकाल के आप देखिएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके के ही प्रश्न आने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिनॉल इज इनकरेक्ट? फिनॉल जो होता है उसके बारे में कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? ये फिनॉल का फार्मूला होता है, फिनॉल के बारे में आप लोग देखिएगा। फिनॉल एम नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल की तुलना में, जो मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पेरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो मेटा पेरा और आर्थो, मेटा पेरा और आर्थो, आप देखिएगा गलनांक और क्वथनांक उच्चतर होता है। तो ये इसका डी उत्तर दिया गया है। डाई मिथाइल इथर जल में अत्यधिक विलेय होता है, जबकि डाई इथाइल इथर अल्प विलेय, क्योंकि क्यों होता है वो? तो दोस्तों इसमें उत्तर दिया गया है, ये जो इथर है डाई इथाइल इथर की ऑक्सीजन के साथ त्रिविमीय संकुचन के कारण ये जो इथेनॉल है और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कम प्रभावी होता है, जबकि मिथाइल समूह जो होता है, मिथाइल समूह जो होता है के छोटे आकार के कारण, छोटा आकार होता है, तो जल के बीच हाइड्रोजन आबंधन जो होता है बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट रैपिडली इन NaOH? तो ये आप देखेंगे यहाँ पर CH3COCl, तो ये क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह है क्या है? दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक जो है NaOH में बहुत तेजी से जल अपघटित हो जाता है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों ये वाला, तो इसके बारे में आपको सोचना होगा कि क्यों ये जल अपघटित, जितना मैंने ये आप अनुभव ये रहेगा
कि जितना कम उसका इसका पोलराइजेशन जितना अधिक है, इसमें सबसे पोलराइजेशन आप देखेंगे तो इसकी जो बॉन्डिंग रहेगी ये 180 डिग्री रहेगी। तो यहाँ लगभग इसी रीजन से जो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही रहेगा। यहाँ पे फिनॉल है, अमोनियम ग्रुप है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या बोलेंगे इसको, ये वाला ग्रुप भी इसमें नहीं रहेगा। तो ये सबसे जो सही ऑप्शन है वो फोर्थ रहेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर तो आप लोग देख पाएंगे HOOC CH2 CH2 COOH। ग्लूटेरिक एसिड का ये फार्मूला इसमें दिखाया गया है। ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनेट एसिड अलग होगा, मेलानोइक एसिड अलग होगा, आईडीपिक एसिड अलग होगा। तो ये ग्लूटेमिक एसिड का फार्मूला होता है जिसमें तीन जो कार्बोनिक जो कार्बन एटम्स हैं वो तीन रहेंगे बीच में, और आजू बाजू में आपका COOH जो जो एसिडिक ग्रुप है वो लास्ट में जुड़ा रहेगा। तो ये ग्लूटेमिक एसिड का फार्मूला है। अमित सिंह कह रहे हैं सर इस पेपर की PDF मिल जाएगी, इस पेपर की PDF कोशिश करेंगे हम लोग आपको अवेलेबल हो जाए। दिए गए यौगिक का नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम रहेगा ग्लूटेरिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉमनली कॉल्ड सेलोल, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट का नाम होता है कॉमन नेम सेलोल जो है, किस कहलाने वाला कार्बनिक यौगिक का रासायनिक नाम क्या है? फिनाइल सैलिसिलेट। देन उसके बाद में द एंड प्रोडक्ट ऑफ जेड इज गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये PCl5 KCN और H2O की उपस्थिति में क्या रहेगा? तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मिथेनोइक एसिड इसका फार्मूला आ रहा है। अभिक्रियाओं के लिए अनुक्रम के में अंतिम उत्पाद जो होता है जेड, लास्ट में प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा इसमें? तो इसमें दिया गया है ये मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विच मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द गिवन रिएक्शन, R1 R2 MgOH। हाँ ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिकीय, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जो क्या कहेंगे नाभिकीय, नाभिकारिक संकलन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफोबिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफोबिक रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो किस तरीके से होता है? एक तो +1/2, एक -1/2, तो दो तरीके से होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन होता है, आपकी स्पिन क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या, उसके अनुसार जो है दो तरीके से ही होता है। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से प्रचक्रण करता है? तो दो तरीके से। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 6f ऑर्बिटल, एक मिनट रुक जाओ। 6f कक्षकों में उपस्थित त्रिज निस्पंदकों, मतलब रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है, रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4p6, 4s2। तो इस तरीके से पूरा ये बताना पड़ेगा आपको। तो ये चक्रण संख्या जो होगी, त्रिज निस्पंदों की संख्या कितनी होगी? तो वो दो होंगी दोस्तों। मैं इसलिए आपको पूरी तरीके से डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 11th 12th और जो पूरा पास आउट हुए हैं, मतलब लगभग 12-13 साल हो चुके हैं। तो सिलेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NB, NB का सिलेक्ट करना है आपको, NB के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना है, NB यानी कि के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई किसी
किसी को लगता है कि वो गलत है तो वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है. विच ऑर्बिटल हैज वन कॉनिकल सरफेस दैट इज काउंटेड एज टू एंगुलर नोड्स. किस कक्षक में एक शंक्वाकार पृष्ठ होता है जो कोणीय निष्पंदों के रूप में गिना जाता है? तो इसका मान है ये वाला सी उत्तर इसका दिया गया है. दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं. इवन आपको मैं बता देता हूं कि स्टार्टिंग में जहां कट ऑफ गई है 44 अनरिजर्व के लिए. आप सोच लीजिएगा किस तरीके का पेपर आता है. इसलिए आप लोग बोर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ यूनिल सेप्टियम? तो ये है बोहरियम. बोहरियम का ये फार्मूला होता है. इनमें से कौन यूनिल सेप्टम का IUPAC नाम है? तो वो है बोरियम. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मे बी प्रेजेंट इन द एस ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक 1s2 1s2 तो 2 ही रहेगा आंसर. ये सही है. एस ब्लॉक वाले तत्वों में अधिकतम कितनी संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो 1s2 ये 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं दोस्तों. यहाँ 1s2 2s2 2p6 तो इसमें कितने होंगे? तो यहाँ पे अधिकतम कितने वैलेंस हो पाएंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 6 वैलेंसी हो सकती हैं. तो ये जिसका भी फार्मूला होता है वो 6 वैलेंसी. यहाँ पे 6 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट हैव ए डिफाइंड. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता चित्र के अनुसार, प्रायिकता चित्र जो होता है इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता चित्र के अनुसार किसी परमाणु की स्पष्ट क्या नहीं होती? परमाणु की कोई परिसीमा नहीं होती. क्या नहीं होती है? तो कोई बाउंड्री नहीं होती. विच फोर्स होल्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स टूगेदर इन फॉर्म ऑफ एन आयनिक बॉन्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक आयनिक आबंध बनाने के लिए कौन सा बल विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ रखता है? तो कौन सा रखता है? वो स्थिर वैद्युत बल. गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं हो सकता, आरोपित बल भी नहीं हो सकता, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ये भी नहीं हो सकता है. अब देखते हैं अपन. ए मोलिक्यूल विच द सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. ए मोलिक्यूल, ए हाइपरवेलेंट मोलिक्यूल, ए कोवेलेंट मोलिक्यूल, एन आयनिक मोलिक्यूल और हाइपोवेलेंट मोलिक्यूल. अति संयोजी वह अणु जिसके केंद्रीय परमाणु में इसकी संयोजकता कक्षा यानी कि वैलेंस, जो आपकी सबसे बाहरी कक्षाएं जो होती हैं उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक आठ से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो अति संयोजी अणु कहलाता है. संयोजक अणु भी नहीं कहलाता, आयनिक भी नहीं कहलाता है. तो व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच विद द लोब्स ऑफ द सेम साइन देन विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स. तो कौन सी ओवरलैपिंग अकर्स होती है? दो कक्षक समान चिन्ह वाले लोब के साथ अंतरनाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं. तो इस किस प्रकार का अतिव्यापन होता है? तो वो धनात्मक पॉजिटिव अतिव्यापन ओवरलैपिंग होती है. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? देखिएगा सिग्मा बॉन्ड में बता देता हूँ. सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड CH3OH, ठीक है आपका CH. सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 5 सही है. CH3OH में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, C के साथ में H यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा एक, फिर यहाँ पे ओ जुड़ेगा, ओ से आर एच, तो कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन चार, ये पांच बॉन्ड, ये सभी सिग्मा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा होता और एक पाई बॉन्ड होता है। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ फोर्स दैट अकर बिटवीन द मॉलिक्यूल विच हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, स्थायी विद्युत द्विध्रुव वाले अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल के प्रकार, बल का क्या प्रकार होता है, तो द्विध्रुव बल, या फिर इसको इंग्लिश में जरूर अच्छे से बोल पाएंगे आप लोग, डायपोल डायपोल फोर्स। द इंट्रेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर सिक्स एंड डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए, आप सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उसमें सही दिया गया है, आप ये सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो सही है। Which of the following unit is correct for the molar gas constant? इनमें से कौन सी इकाई मोलर गैस स्थिरांक के लिए सही है? मोलर गैस स्थिरांक के लिए कौन सी सही है? तो ये फोर्थ इसका ऑप्शन सही दिया गया है। Which of the following laws deals with the pressure exerted by a mixture of non-reacting gas enclosed in vessels? तो डाल्टन लॉ जो है वो इसको करता है। इनमें से कौन सा नियम किसी पात्र में रखी गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण द्वारा लगाए गए दाब से संबंधित है? तो वो है डाल्टन का नियम। शांता का मात्रक क्या होता है? पाई, एक पाई के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों? वो इसके बराबर होता है। बायोलॉजी का सेगमेंट आ रहा है, बायोलॉजी के साथ में आप बने रहिए मेरे साथ में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। पशु परिवार में कौन सा प्रत्यय सफिक्स लगता है? एन एनिमल फैमिली हैज अ सफिक्स, तो ये वाला सफिक्स इसमें लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेल्यूलर फंगस? यूनिसेल्यूलर, एगेरिकस भी नहीं, म्यूकस भी नहीं, पेनिसिलियम भी नहीं, गेस्ट। इनमें से कौन सा एक एक कोशिकीय कवक है? एक कोशिकीय कवक को बोलते हैं यीस्ट या क्या बोलेंगे आप लोग, खमीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो स्यूडो सोलेमेट्स? इनमें किसमें कौन सा एक स्यूडो सोलेमेट्स का एक एग्जांपल है? तो वो है राउंड वर्म, गोलक्रमी, गोलक्रमी जिसको बोलते हैं वो एक स्यूडो सोलेमेट्स है। द स्टेम जॉइंड विथ सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटरनोइड इज नोन एज, तो क्या है, ठोस असंधियों पर खोखले पोरियों के साथ जुड़े हुए तने को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कलम है? इसका उत्तर आएगा बी, कलम। द टाइप्स ऑफ अटैचमेंट इन विच द फिलामेंट रन्स अप द एंटायर लेंथ ऑफ द अनदर एंथर इज नॉन एज, जिस प्रकार से संलग्ना में तंतु पराग कोश की पूरी लंबाई तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जाता है एडनेट, संलग्न। द पेरिफेरल लाइट कलर्ड लिविंग वुड इज नॉन एज, परिधि हल्के रंग की जीवित लकड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एल्बर्नम। इन यूकेरियोट्स द स्यूडो द प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ द लिविंग मैटर एंड साइटोप्लाज्म, द कंडीशन इज कॉल्ड, सुकेंद्री में जीव द्रव्य तंतु जीवित पदार्थ और कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। जीव द्रव्य तंतु तो वो सिम्प्लाज्म संद्रव्य को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, कौन, एक बृहद अणु नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लिक एसिड है, तो अमीनो एसिड जो है वो बृहद अणु नहीं है, मैक्रो नॉट मैक्रोमोलिक्यूल।
बल्क ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज नॉ इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, पौधों में स्थूल परिवहन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्थानांतरण, परासरण भी नहीं है, अंतः शोषण भी नहीं है, विसरण भी नहीं है, विच इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ऑफ एनिमल, स्किन से भी होता है, ट्रेकिया से भी होता है, गिल्स से भी होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ हार्ट बीट इम्पल्स, एवी नोड, एवी बंडल या एसए नोड, एसए नोड इसका करेक्ट आंसर है, एवी नोड भी नहीं है, एवी बंडल भी नहीं, पुरकिंजे तंतु जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं वो भी नहीं होते हैं, तो इसका आंसर है एसए नोड। हृदय स्पंदन आवेग की दर को निर्धारित करता है, एसए नोड। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि किसी भी ब्लड जो आपकी रक्त धमनियां होती है उसका छोटा हो जाना ड्यू टू डिस्पोजिशन ऑफ फैट, फैट इस क्या कहलाता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, वसा के जमा होने के कारण रुधिर वाहिकाओं का संकोचन क्या कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसी की कंडीशन में आपको क्या कराना पड़ता है वहां पे आप लोग क्या कराते हैं उसको हृदय की जो कार्य क्षमता को नापने के लिए क्या कहलाते कराते हैं आप लोग ईसीजी कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, और ईसीजी के अलावा आप लोग क्या कराते हैं ट्रेडमिल ट्रीटमेंट लिया जाता है आपका स्फिगमोमैनोमीटर के द्वारा क्या करा जाता है बीपी को चेक किया जाता है तो इस तरीके के पूरे जो है होते हैं, और इको भी करा जाता है इको कार्डियोग्राफी। स्ट्रोंग कॉन्ट्रेक्शन इज एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ए ह्यूमन बेबी बाय, मनुष्य के बच्चा पैदा होने के दौरान के द्वारा अत्यधिक संकुचन प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम गर्भाशय पेशी स्तर द्वारा, तो यहाँ पे मायोमेट्रियम को क्या कहते हैं आप लोग, ये गर्भाशय की पेशियां जो होती हैं उनके द्वारा अधिकतर जो है वो संकुचन पैदा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स विद ए बैग ऑफ प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो बैगिंग कहलाता है वृत्तिकाग्र को संदूषण के से बचाने के लिए विपुंसित पुष्पों को थैले से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो बैगिंग या थैलीकरण कहा जाता है हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन फीमेल ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ह्यूमन कोरियोनोइड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एससीजी, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं है, ऑस्ट्रोजन भी नहीं है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच ये भी नहीं होता है, तो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनोइड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है, तो मानव कोरियोनोइक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसमें वृद्धि हार्मोन भी नहीं होता है। व्हेन लैक ओपेरोन इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेसर इज इट इज नॉन एज, तो उसको क्या कहा जाता है जब लैक प्रचारक को दमनकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नकारात्मक विनियमन, क्या कहेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज ए गोल टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी ह्यूमन जीन्स, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य कितने मानव जीनों की पहचान करना है, तो 20,000 से 25,000 जीन्स। इन टोबेको मोजेक वायरस TMV, टोबेको मोजेक वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज RNA, वेरी गुड। हीरोइन इज ए वाइट ऑडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड केमिकली नॉन एज डाईएसिटाइल मॉर्फिन, बिल्कुल सही है, ये मॉर्फिन से ही बना होता है दोस्तों ये, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो बना होता है ये एक तरीके से आप कहेंगे कि मॉर्फिन क्या बोलते हैं हम, मॉर्फिन हमेशा जो है आपके मंदसौर तरफ, मंदसौर नीमच ये जो है यहाँ गढ़ है,
इसका डोडा चूरी का। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको स्मगलिंग अधिक से अधिक आपको देखने को मिलेगी। तो हीरोइन और स्मैक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है आपका इसी के माध्यम से। तो आप लोग देखेंगे कि डाई एसेट मॉर्फिन इसको कहा जाता है, और हीरोइन को जो है एक अवैध मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ए टोटिपोटेंट सेल मीन्स, टोटिपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है? एक विभाजित कोशिका जो एक तंत्र या पूरे पौधे में विकसित होने में सक्षम होती है। टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी का यूज किया जाता है आपके गुलाब के जो कलम कलम वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, कलम वगैरह लगती हैं इसकी गुलाब की। तो वो एक एक सेल से पूरे पौधे का निर्माण करने वाली अगर कोई सेल्स हैं तो उसको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। एन अनडिफरेंशिएटेड सेल कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए सिस्टम आर एंटायर प्लांट। द वेरी लार्ज वेसल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस बाय ग्रोइंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड। बढ़ते सूक्ष्म जीवों द्वारा पेय पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले बहुत बड़े बर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है किण्वक, या फिर कहेंगे फर्मेंटर्स, फर्मेंटेशन जिसमें किया जाता है, फर्मेंटेशन, किण्वन जिसको बोलते हैं आप लोग, किण्वन, किण्वन करते हैं हम लोग। तो हम लोग जलेबी वगैरह खाते हैं तो उसमें भी जो होता है ना जलेबी खाते हैं तो वो भी एक तरीके से फर्मेंटेशन होता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप होते हैं, उसका किण्वन होता है, अच्छा किण्वन होता है, उसके बाद ही हम लोगों को जलेबी मीठी मीठी लगती है दोस्तों। इन जेनेटिकल मॉडिफाइड बीटी कॉटन, बीटी इज यूज्ड एज एब्रिविएशन फॉर आनुवंशिक रूपांतरित बीटी कॉटन। में बीटी का क्या मतलब है? बैसिलस थुरिजिनिसस, ये हार्मोन, ये जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैसिलस थुरिजिनेसिस, बीटी का अर्थ होता है बैसिलस थुरिजिनेसिस। द ड्राई वेट ऑफ एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी पर वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का शुष्क भार क्या लगभग कितना होता है? तो वो होता है 170 बिलियन टन। द एंटेरिक रीजन इज मार्क्ड बाय डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर डज दिस डिप्लेशन अकर्स? अंटार्कटिक क्षेत्र को ओजोन परत के अवक्षय द्वारा मार्क किया जाता है। वायुमंडल की किस परत में यह अवक्षय होता है? तो वो होता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं समताप मंडल में ही ओजोन जो है वो ओजोन लेयर उपस्थित है, तो वहीं पर जो है अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा होल हो गया है। क्यों हुआ है, वो किस गैस के कारण हुआ है, अगर आप लोग कमेंट करके बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओजोन अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में एक बहुत बड़ा होल पाया गया है यहाँ पर, तो वो होल अंटार्कटिका के ऊपर होल यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि वो कौन सी गैस है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो एसी वगैरह में यूज होती है उसके कारण ये छिद्र हो गया है, तो अंटार्कटिक क्षेत्र में ये बायोलॉजी में प्रश्न पूछा गया है। इन द 1980 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इनकरेजिंग लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, क्या क्या कहलाता है? संयुक्त वन प्रबंधन। 1980 के दशक में भारत सरकार ने वन संरक्षण के में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शुरू किया, तो वो किस कारण से किया था? 1980 में संयुक्त वन प्रबंधन के द्वारा किया गया था। देन उसके बाद में बहुत सारी जनरल नॉलेज का पेपर आ गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जीके और बेसिक कंप्यूटर। आप लोग मेरे साथ तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैरामेडिकल का पेपर है ये, इंदौर में जो कल परसों आयोजित हुआ था उसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 3 तारीख तक। तो 25 प्रश्न पूछे गए थे, 75 प्रश्न में आपका केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया और बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी लास्ट जो है सेशन है वो ये इस प्रकार से है। विथ रेफरेंस टू फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, क्या ये तीताली डांस इज पार्ट ऑफ रिलीजियस
रिचुअल परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक मिनट यार, मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में तिरताली नृत्य, तिरताली नृत्य क्या होता है? मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वो कमार जनजाति, कमार जनजाति के द्वारा तिरताली नृत्य किया जाता है। कौन से धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है? मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के संदर्भ में ग्रीड, ग्रीड जो पद्धति है, ग्रीडा नृत्य के मौसम में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। लोक नृत्यों में के संदर्भ में ग्रीडा नृत्य के मौसम में किया जाता है, तो सर्दी के मौसम में ग्रीडा नृत्य किया जाता है। वेरी नाइस यार, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आने लगे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति के संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खालिस्तान के शौर्य स्मारक की स्थापना लोगों को, खास तौर पर युवा पीढ़ी को, भारत की सीमाओं के प्रहरियों की वीरता और उनके बलिदान के लिए, बलिदानों से अवगत कराने और उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए बनाई गई है। तो भोपाल में आप देखेंगे कि भोपाल में एक शहीद पार्क बनाया गया है, शहीद पार्क भी बनाया गया है शायद वहां पे, तो वहां पे इस तरीके का एक शौर्य स्मारक जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संदर्भ में गुजरी महल जो ग्वालियर में है, तो निम्न में से किस राजा ने उसका निर्माण कराया? तो इसका उत्तर दिया गया है मानसिंह, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, गुजरी महल का। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या है। पुष्पन जब सर एग्जाम देने के बाद नो नंबर तुरंत बता देता है कि नहीं बताता है भैया पुष्पन साहू जी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी आदिवासी समुदायों में से एक मीणा समुदाय? वैसे मीणा समुदाय को आदिवासी में सम्मिलित नहीं किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, मीणा जो आते हैं ओबीसी में आते हैं। मीणा समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली लोक चित्रकला का एक रूप है, ये है मंदाना। मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय संग्रहालयों में के संदर्भ में रानी दुर्गावती संग्रहालय किस स्थान पर है? रानी दुर्गावती का संबंध किस उससे आता है, ये कौन सी डायनेस्टी से है, ये जरूर बताइएगा। जबलपुर, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में संरक्षित स्मारक आलिया बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? अशोक नगर में आलिया बावड़ी स्थित है। तो बहुत ज्यादा डीप में पूछ रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में धोलादिरी महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? धोलादिरी महादेव मंदिर जो है मंदसौर में स्थित है, ऐसा बता रहे हैं। मुरैना, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर, ये तीन इसके ऑप्शन थे। मध्य प्रदेश के संरक्षित स्मारकों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा स्मारक इंदौर में स्थित है? तो दुर्जन सिंह की छतरी, भानु टिकैत की छतरी, भीमसेन की छतरी भी नहीं है, तो बोले सरकार की छतरी का इसमें सही उत्तर दिया गया है। तो काफी टफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर पूछा गया था इंदौर में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। यहाँ पे देखिएगा आप, 2014 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी विदिशा से हैं संबंधित, जिन्होंने बच्चों और उनके परिवारों को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, का जन्म 1954 में इनमें से किस स्थान पर हुआ था? विदिशा, सही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कालिदास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? सन 1980 में ये प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला तानसेन सम्मान ग्वालियर प्रतिपादकों में निम्न से किस क्षेत्र में दीर्घकालिक समर्पण और योगदान हेतु सम्मानित करने के लिए किया जाता है मध्य प्रदेश में? तो इसका उत्तर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इंडियन फोक कि मैं इसका कहा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जो तीन बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे का जन्म ग्वालियर में हुआ था, जो 25 दिसंबर को हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ही 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस और ये दोनों भी याद रखना है आपको, 25 दिसंबर और 1924।
क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाते हैं बहुत सी बार। मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्रफल इतना है, राज्य के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है तो राजस्थान के बाद में है। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ नहीं है, उसके आसपास कौन सा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है, राजस्थान मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में, नीचे की ओर देखेंगे तो वहां पर स्थित है। इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये राजस्थान और ये गुजरात। मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल के संदर्भ में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है। धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी आप बताइएगा कमेंट करके कि धूपगढ़ की चोटी किस पर्वत श्रेणी में आती है। मेकाल में आती है आपका, सतपुड़ा में आती है, विंध्याचल में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू नॉट हैव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट माली ट्रेनिंग सेंटर। निम्नलिखित में किस स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार का माली ट्रेनिंग सेंटर। अब यही बचा था पूछने के लिए, तो ये कुछ चीजें ऐसी पूछी जा रही हैं आजकल की जो चीज छूट गई है वो पूछ रहे हैं। तो विदिशा में दोस्तों माली के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। किस स्थान में मध्य प्रदेश सरकार का माली का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ बागवानी की आप देखेंगे तो वहां पर दी जाती है ट्रेनिंग। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला एक वृहद बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसके लिए वित्त और तकनीकी सहायता जापान ने की है। डीएमआईसी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने निवेश बिंदुओं की पहचान की गई है। तो वो चार है। नवाब हमीदुल्ला खान को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर के रूप में चुना गया। उन्होंने भारत के राजनीतिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विचार विमर्श में भाग लिया था। एक बार 1931, 32 और 1944 से 47। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और औद्योगिक विकास के लिए राज्य निवेश कॉरिडोर विकसित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन इन चार निवेश कॉरिडोरों में से एक नहीं है। तो भोपाल बिना है, जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली है, मोरेना है, और इसमें बुरहानपुर बैतूल बालाघाट नहीं है। कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान परिशुद्धता और दक्षता से करने में मदद करती है। तो वो होती है वर्सेटिलिटी, बहुविकता। वर्सेटिलिटी या बहुविकता इसको हिंदी में कहेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ रैम। रैम इज नोन एज ए वोलेटाइल। रैम इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी आर स्टोरेज। तो कौन सा स्टोरेज इसमें, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ओनली सेकेंड इज ट्रू, नॉन वोलेटाइल नहीं है ये। इज द की बोर्ड शॉर्टकट टू एक्सपांड आर कोलेप्स द रिबन इन एमएस वर्ड 2019। कंट्रोल F1। एमएस वर्ड 2009 में रिबन को एक्सपांड और कोलेप्स करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है। तो कंट्रोल F1। सेल रेफरेंस होल्ड्स इधर ए रॉ कॉलम कॉन्स्टेंट व्हेन द फार्मूला और फंक्शन इज कॉपीड इन टू अनदर लोकेशन इन एम एस एक्सेल 2019। सेल रेफरेंस एम एस एक्सेल 2019 किसी अन्य स्थान पर सूत्र फार्मूला या फंक्शन को कॉपी करने पर दो तो स्तंभ या पंक्ति पर स्थिर रखता है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड। इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया स्पेशल पेन दैट वर्क्स विथ इट, तो इसको कहते हैं ग्राफिक टेबलेट, जिसका यूज मैं कर रहा हूं अभी आपको। मैं ग्राफिक टेबलेट के माध्यम से ही ये सब चीजें लिख पा रहा हूं।
इसमें एक स्टाइलस होता है और एक इस तरीके का पेन होता है, और ये पेन के माध्यम से हम लोग लिखते हैं। एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लेखन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है, और उसके साथ काम करने का एक विशेष पेन होता है, तो उसको कहते हैं ग्राफिक टेबलेट। तो दोस्तों इस प्रकार का पूरा जो है आपको पेपर मिलेगा देखने को सागर में। ये इंदौर का पेपर है जो अभी 31 को हुआ था। तो आप यहाँ से टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 30 तारीख को पेपर हुआ था, जिसका मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या इसमें चीज़ें जो हैं वो आने वाली है। सागर में भी इसी प्रकार का पेपर आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, और इसी प्रकार के विशेष जानकारी और पेपर्स की जो है रिव्यू के लिए आप बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। जय हिंद।